आज हम फिर से एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि मार्था इज इंटरव्यूइंग एट संडे, मतलब कि संडे को उसका इंटरव्यू हो रहा है। वन ऑफ द राउंड्स ऑफ द इंटरव्यू रिक्वायर्स हर टू कट अ ब्रेड ऑफ साइज एल क्रॉस बी। एक ब्रेड है बेसिकली, या पेपर मान लीजिए जिसका लेंथ है एल क्रॉस बी, लेंथ एल है और ब्रेथ बी है, इनटू स्मॉलर आइडेंटिकल पीसेस। स्मॉलर आइडेंटिकल पीसेस याद रखना, ये आइडेंटिकल वर्ड, आइडेंटिकल पीसेस राइट, सच दैट ईच पीस इज अ स्क्वायर हैविंग मैक्सिमम पॉसिबल साइड लेंथ राइट। कह रहा है कि जो ये एल क्लास बी का स्क्वायर है इसको कट करना है, लेकिन कट इस तरह से करना है कि हर एक पीस आइडेंटिकल हो प्लस, लेकिन स्क्वायर में होना चाहिए, वो पीस स्क्वायर में होना चाहिए राइट, और हर एक पीस की लेंथ सेम होनी चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। और लिखा है हैविंग मैक्सिमम पॉसिबल साइड, जो लेंथ है स्क्वायर की आपको कट तो करना है, लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम साइड लेंथ पॉसिबल है उतना आपको करना है। और कंडीशन क्या है, विथ नो लेफ्ट ओवर पीस ऑफ ब्रेड, कोई भी ब्रेड का पीस शेष नहीं रहना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। कि आपका एक पेपर है एल क्रॉस बी का, ब्रेड है एल क्रॉस बी यहां पर दिया गया है, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, उसकी लेंथ दी गई है, लेंथ और ब्रेड दी गई है एल क्रॉस बी राइट। तो जो ब्रेड है उसको आपको इस तरह से काटना है, स्क्वायर में ही काटना है, ताकि जो स्क्वायर आप बना रहे हैं काट के उसकी लेंथ मैक्सिमम हो, प्लस कोई भी ब्रेड का टुकड़ा जो है वो शेष ना बचे राइट। फिर आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, नहीं तो फिर से देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक ब्रेड का टुकड़ा है राइट, ये है आपके पास, इसकी लेंथ मान लीजिए जो यहां पर इन्होंने एग्जांपल दिया गया है, और आगे थोड़ा देख लेते हैं हम, ये टी नंबर है टेस्ट केस, और एल और बी की वैल्यू दी जाएगी राइट। टी और एल और बी की वैल्यू कंस्टेंट 1 to 100, 1 to 1000 है, जो बिल्कुल सही है, हम कर लेंगे, हमारा काम इंटीजर से चल जाएगा। अब आते हैं फिर देखिए सिंपल इनपुट में, ये दो दिखा रहा है नंबर ऑफ टेस्ट केस राइट। अब एल और बी की वैल्यू दी गई है, तो 2 into 2 दी गई है राइट, एल और बी की वैल्यू। तो आप यहां पर देखिए दोनों की वैल्यू मान लीजिए सेम दी गई है, एल और बी की वैल्यू सेम दी गई है, देखिए ओके, ये मान लीजिए एल है और ये बी है, तो ये 2 x 2 का एक स्क्वायर है, 2 x 2 का एक स्क्वायर है, और अब इसको आपको काटना है। किस तरह से काटना है, पीस में कन्वर्ट करना है स्क्वायर में ही राइट। ये एक जो भी है आपके पास ये एरिया, इसको स्क्वायर में कट करना है, और उस स्क्वायर की लेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए। तो देखिए ये तो 2 x 2 है, तो ये तो ऑलरेडी एक स्क्वायर है, ऑलरेडी एक स्क्वायर है राइट, तो इसको तो कट करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका एक ही पॉसिबल आंसर होगा राइट। तो ये 2 x 2 का एक स्क्वायर ही है, इसलिए इसको कट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों कट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मैक्सिमम लेंथ का ही चाहिए, तो इसकी लेंथ 2 है और इसकी लेंथ भी 2 है। अगर मान लीजिए इसके हम 4 पार्ट कर दें 1 x 1 के, इस तरह से 4 पार्ट कर दें 1 x 1 के, तो इसकी लेंथ 1 होगी और ब्रेथ भी 1 होगी, लेकिन ये जो स्क्वायर बना, 4 स्क्वायर बनेंगे लेकिन इनकी लेंथ जो साइड लेंथ है 1 x 1 है। हमें ये नहीं करना है, हमें मैक्सिमम लेंथ का काटना है। तो इसलिए अगर ऐसा कोई आता है इनपुट एल और बी का, जिसमें क्या है एल और बी की वैल्यू सेम है, तब तो उसका एक ही पीस होना है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक स्क्वायर ही है राइट। तो ठीक है, ये आपको समझ में आया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं उन्होंने क्या इनपुट दिया है। यहां पर देखो 6 और 9 दिया है, हाँ ये क्वेश्चन में आपको समझना है। देखिए कह रहे हैं कि जो उसकी लेंथ है 6 और 9 है राइट, थोड़ा क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए कह रहे हैं कि जो ये लेंथ है ये है 6, ये 6 है और ये 9 है, तो अब आप इसका एरिया बताइए कितना होगा, 54 एरिया होगा, 9 × 6 जो हो गया 54। हाँ अब इसको आपको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा राइट। ये एक स्क्वायर तो नहीं है, देखिए ये पूरा एक स्क्वायर नहीं है, ये एक रेक्टेंगल है। तो देखिए अगर आप 2 का बनाते हैं, 2 2 का बनाते हैं, तो साइड लेंथ मान लीजिए आप 2 2 रखते हैं,
इस तरह से आप स्क्वायरिंग इसको करते हैं। ये मान लीजिए आप टू टू के स्क्वायर बनते हैं तो ठीक है, इसकी लेंथ टू होगी और ब्रिथ डी भी टू होगी, तो टू इंटू फोर, और फोर को अगर 54 को अगर फोर से डिवाइड करें तो फोर एकम फोर राइट, और 114 हो गया, तो 4 इंटू थ्री 12, लेकिन 2 इसमें शेष हो जाता है, 54 बाई 4 करेंगे तो 2 शेष बचेगा, इसलिए 2 क्रॉस 2 का तो हम बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा जो कुछ पीस है वो लेफ्ट हो रहा है। तो 3 का चेक करिए, तो 3 का यहां पर जब चेक करेंगे 3 क्रॉस 3 का, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, और 54 डिवाइडेड बाई 9 6 आ गया, यस। तो इसमें 3 क्रॉस 3 के तो स्क्वायर पॉसिबल है और नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे 6 राइट, लेकिन हो सकता है कि 3 के अलावा आप 4 क्रॉस 4 का बनाएं, तो 4 क्रॉस 4 हो गया 16, 54 डिविजिबल बाय 4 16, 54 डिविजिबल बाय 16 ये तो डिविजिबल ही नहीं है, तो 4 क्रॉस 4 के तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरह से आपको चेक करना है राइट, आपको चेक करना है, क्योंकि हमें यहां पर जो स्क्वायर हमें पीसेस में कट करना है उसकी लेंथ मैक्सिमम चाहिए राइट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, जैसे यहां पर इन्होंने दिया है 6 है 9, तो इसका स्क्वायर हो गया 54, अब 54 में देखिए यहां पर 6 प्रिंट है, क्यों, एक्सप्लेनेशन देखिए इनका, कह रहा है कि 6 इंटू 9 हो गया 54, तो 1 क्रॉस 1 अगर स्क्वायर आप बना रहे हैं 1 क्रॉस 1 के बनाएंगे तो 54 स्क्वायर पॉसिबल होंगे, लेकिन अगर आप 3 क्रॉस 3 के बनाएंगे तो 6 पॉसिबल होंगे राइट। तो हमें 3 क्रॉस 3 का बनाना है, क्योंकि हमें जो स्क्वायर बनाना है वो मैक्सिमम साइड लेंथ का बनाना है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा आई होप राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की, देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो ये क्वेश्चन आप ट्राई अपने से कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप कुछ और मेथड यूज कर रहे हैं करने के लिए, तो देखिए आप यहां पर देखेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केस हैं 11 टेस्ट केस हैं, नहीं 12 टेस्ट केस हैं, तो हो सकता है कि हर एक टेस्ट केस पास ना हो, लेकिन एक अगर यहां पर आप ट्रिक यूज करें जीसीडी की आप ट्रिक कैलकुलेट करें तो देखिए क्या होगा, 2 और 2 का जीसीडी क्या होगा, मैक्स जीसीडी क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 ही होगा, 2 और 2 का जीसीडी 2 होगा, तो इसलिए आप 2 क्रॉस 2 के अगर बनाएंगे स्क्वायर पीस तो वो मैक्सिमम लेंथ का भी होगा और वही हमारा आंसर होगा। अगर आप यहां पर 6 और 9 का जीसीडी कैलकुलेट करें तो 3 आ रहा है, तो देखिए 3 क्रॉस 3 के ही तो पॉसिबल है, मैक्सिमम साइड लेंथ 3 क्रॉस 3 की ही पॉसिबल होगी राइट। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास आंसर हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास लेंथ हो जाए कुछ और, हम यहां लेते हैं 11 इंटू 4 लेते हैं, मान लीजिए इसकी लेंथ है 11, मैं इसको हटा दे रहा हूं, थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, मान लीजिए लेंथ है 11 और ये है 4, तो 4 और 11 का जीसीडी आप निकालिए कितना होगा, जीसीडी 4 और 11 का तो 1 होगा, तो इनका जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 44, तो मतलब 44 स्क्वायर पॉसिबल होंगे 1 क्रॉस 1 की, इनका जीसीडी कितना है 1 है, तो 1 क्रॉस 1 हो गया, और 44 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 44 आएगा, तो इसके 44 स्क्वायर पॉसिबल हैं और 1 क्रॉस 1 के, क्योंकि इन दोनों का जीसीडी 1 है। देखिए जीसीडी अगर आप निकालते हैं वही हमारा आंसर होगा, वही उतनी ही मैक्सिमम लेंथ का स्क्वायर हम बना सकते हैं राइट। मान लीजिए हम यहां पर लेते हैं लेट्स से 12 ले लेते हैं, इसको हम ये 12 बना देते हैं, 12 क्रॉस 4 है, तो 12 और 4 का जीसीडी कितना आएगा, 4 आएगा राइट, तो 12 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 48, और इनका जीसीडी कितना है 4 है, तो आपको इसको डिवाइड करना है 4 क्रॉस 4 से राइट, क्योंकि हमें एरिया से डिवाइड करना है राइट, तो 4 क्रॉस 4 हो गया 16, और 48 बाई 16 हो गया 3, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, और 4 क्रॉस 4 लेंथ के पॉसिबल हैं राइट। तो जो भी
इन दोनों नंबर का जीसीडी आ रहा है, उस मैक्सिमम लेंथ का स्क्वायर हमें बनाना पड़ेगा, तो हमें कोई भी पीस हमारा जो ब्रेड है, तो जो भी जीसीडी आता है, अगर उस लेंथ का अगर हम स्क्वायर काटें, तो पहली बात तो हमारे पास कोई भी रेस्ट ऑफ पीस नहीं बचता है, मैनेज हो जाता है, और वही मैक्सिमम लेंथ का स्क्वायर हम काट सकते हैं, राइट। तो यहां पर मैथमेटिक्स में यही ट्रिक था इस क्वेश्चन में, और अलग मेथड भी हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं होगा ही, हो सकता है कि उस केस में आपका हर एक टेस्ट केस पास ना हो, राइट। तो अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो टी नंबर ऑफ टेस्ट केस है, तो अगर हम चाहते हैं कि हर एक टेस्ट केस हमारा एग्जीक्यूट हो, तो हम लूपिंग के अंदर कोडिंग करेंगे और आई की वैल्यू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू कैपिटल टी तक जानी चाहिए एंड आई प्लस प्लस इस तरह से, और हम अपनी कोडिंग इस लूप के अंदर करेंगे, राइट। अब हमें क्या चाहिए, एल और बी की वैल्यू चाहिए, तो मैं डिक्लेयर कर ले रहा हूं एल कामा बी, राइट। तो मैं यहां पर स्कैनफ रखूंगा, देखिए फॉर लूप के अंदर ही हम इनपुट लेंगे परसेंट डी कामा एड्रेस ऑफ एल कामा एड्रेस ऑफ बी। अब हमें क्या चाहिए, L और B का GCD चाहिए, तो GCD कैलकुलेट मैं यहीं पर कर सकता हूं या मैं फंक्शन बना सकता हूं। देखिए मैं फंक्शन बनाने वाला हूं, तो मैं एक यहां से GCD स्मॉल GCD नाम से एक वेरिएबल बनाता हूं और एक कैपिटल GCD नाम से मैं फंक्शन बनाऊंगा और उसमें L एंड B पास करूंगा। ये फंक्शन क्या करेगा, हमें इन दो नंबर का GCD कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा, तो उसको हम इस स्मॉल जीसीडी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए इस फंक्शन को मैं डिफाइन करता हूं, तो इस फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए मैं इसके मेन फंक्शन के बाहर आता हूं, रिटर्न टाइप इंट होगा क्योंकि वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप की होगी, फंक्शन का नाम जीसीडी, और इसमें दो आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, लेट्स से हमने रख लिया एल कॉमा इंट बी, राइट, ठीक है। अब हमें जीसीडी कैलकुलेट करना है, तो जीसीडी का लॉजिक हम पहले ही देख चुके हैं, ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, राइट। तो अगर हम चेक कर रहे हैं एल मॉडुलर बी इक्वल टू जीरो है, तो हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कौन है, बी है, तो बी रिटर्न करना है। फिर चेक करेंगे इफ बी मॉडुलर एल इक्वल टू जीरो है, तो हमें क्या रिटर्न करना है, एल को रिटर्न करना है, राइट। फिर चेक कर रहे हैं इफ एल ग्रेटर देन बी है, एल ग्रेटर देन बी है, तो हमें क्या रिटर्न करना है, तो हमें रिटर्न करना है रिटर्न, बेसिकली ये जीसीडी में इक्लिप्स थ्योरम का यूज करके कर रहा हूं, और अगर एल ग्रेटर देन बी है तो हमें पास करना पड़ेगा रिकर्शन, ये रिकर्शन हो रहा है, एल मॉडुलर बी एंड बी पास करना है, राइट। और जो भी ये रिटर्न होगा, रिटर्न करना है हमें, ओके रिटर्न हमें करना था, क्या रिटर्न करना है, जो ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा, फिर से मैं जीसीडी को कॉल करूंगा और इसमें मैं पास करूंगा एल मॉडुलर बी कॉमा बी पास करूंगा, राइट। समझ बात ये आई, अगर एल बड़ा है तो एल मॉडुलर बी पास करना है, यही इक्लिप्स थ्योरम है। देखिए जीसीडी अगर मैं आता हूं आपको, तो पहले उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसको देख लीजिए, उसमें हमने एक्सप्लेन किया है। और अगर एल बी से बड़ा नहीं है, मतलब बी बड़ा है, तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा रिटर्न, फिर से मैंने जीसीडी को कॉल किया और इसमें एल कामा बी मॉडुलर एल पास करना पड़ता है, राइट। तो ये फंक्शन बेसिकली एल और बी का जीसीडी कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा हमारे पास। अब अगर हमारे पास रिटर्न कर रहा है, तो ये फंक्शन क्या होगा, यहां पर आएंगे हम जीसीडी में, हमारा इस वेरिएबल में जीसीडी आ चुका है, तो बेसिकली अब एल और बी का जो एरिया होगा हमें डिवाइड करना है। तो मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूं लेट से आंसर नाम से, और क्या करना है, एल इंटू बी जो है, ये जो है एल इंटू बी को हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, जो जीसीडी इंटू जीसीडी से डिवाइड करना है, राइट। देखिए जीसीडी में है ना, तो उसका स्क्वायरिंग करके हमें डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। और जो भी आंसर आएगा उसे हम आंसर नाम के वेरिएबल में यहां पर स्टोर कर लेंगे, राइट। तो जीसीडी में अगर हम टेस्ट केस की बात करें, यहां पर अगर मान लीजिए एल की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू 9 है,
तो जीसीडी आया होगा 3। तो देखिए अब नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने हैं, तो 3 × 3 9, टोटल 9 स्क्वायर का हमें 9 जो उस पर्टिकुलर स्क्वायर का एरिया होगा उसको डिवाइड करना है किससे, उससे डिवाइड करना है 54 को, राइट, तभी तो आएगा 6। तो वही तो हमने किया है, जीसीडी को दो बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो हम स्क्वायर का एरिया का स्क्वायर बनाने वाले हैं उसका एरिया है और उसको उससे डिवाइड करना है किसको, एल क्रॉस बी से। तो बेसिकली आंसर में आ गया है नंबर ऑफ पॉसिबल स्क्वायर, और फाइनली इसी को तो हमें प्रिंट करना था, तो मैंने लिखा प्रिंट ऑफ परसेंट डी और मैंने लाइन चेंज कर दी है और आंसर की वैल्यू, राइट। तो बस ये हमारा प्रोग्राम हो गया है और इसको मैं एक बार रन कर रहा हूं, देखिए देखते हैं, मान लीजिए अगर कुछ एरर होती है तो उसे हम लोग दूर करेंगे, राइट। ओके, एक्सपेक्टेड प्रिंट ऑफ क्या हुआ है, प्रिंट ऑफ में कुछ दिक्कत बता रहा है, यहां पर मैं सेमी कॉलन भूल गया था, राइट। ओके यस, देखिए पास हो गया है टेस्ट केस, देखिए हमारा आउटपुट क्या है, योर आउटपुट 1 और 6, राइट। एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको शायद नहीं दिख रहा हो लेकिन आपने ऊपर देखा था 1 और 6 ही था। देखिए इस मेथड को, इस क्वेश्चन को आप और भी किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं लेकिन वो टफ हो जाएगा, लेकिन जो जीसीडी वाला फंडा है यही तो मैथमेटिक्स है, यहां पर ये बहुत क्लियर कट है। और हो सकता है अगर आप दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं ना तो आपका टाइम आउट हो जाएगा, उसमें ज्यादा टाइम भी लग सकता है इस पर्टिकुलर आंसर को पाने के लिए। और अगर मैं इसको सबमिट करूं कोड को, तो देखिए यहां पर 12 टेस्ट केस हैं जिसमें से आपको 8 टेस्ट केस दिख रहे हैं, देखिए ये वाले पूरे पास हो गए 8 टेस्ट केस, 4 टेस्ट केस आपको नहीं शो हो रहे हैं वो भी पास हो गए हैं। ओके, एक्चुअली जो हम ये स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर रहे हैं, फुल स्क्रीन में हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो इसलिए अदर 4 टेस्ट केस आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये 8 टेस्ट केस आप देख सकते हैं 10 तक पास हो गया है और ये 4 टेस्ट केस भी पास हो गए हैं जो आपको नहीं दिख रहे हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन अच्छा था कि इसमें यही तो देखना था, देखिए पहले मैंने इस क्वेश्चन को अलग मेथड से किया था, तो वहां पर हमने देखा था कुछ टेस्ट केस पास हो रहे हैं इजी वाले जिसमें एल और बी की वैल्यू स्मॉल थी, लेकिन जैसे जैसे एल और बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो टेस्ट केस फेल होते जा रहे थे क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लग रहा था। और अगर आप कंस्ट्रेंट्स में देखें तो ए और बी की वैल्यू देखिए 1000 तक है और उनको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो देखिए ये कितनी बड़ी नंबर हो जाएगी, तो इसलिए ज्यादा टाइम भी लग सकता था। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया हो और वीडियो की लेंथ 18 मिनट हो चुकी है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्या था ये समझ में आया हो और किस तरह से हमने किया ये भी समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।